हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी राजर्षि लेखपाल के परीक्षा रिफ्रेशर बुक की, और ये यूथ कंपटीशन वालों निकाला है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे ग्रामीण समाज एवं विकास, इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर इसमें हो चुका है ग्राम समाज एवं विकास में। तो इसमें ग्राम समाज विकास के अंतर्गत जो है भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास, ग्राम विकास कार्यक्रम, योजनाएँ प्रबंध, शोध प्रणालियाँ, योजनाएँ और ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार, केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास योजनाएं और ग्राम सभा एवं पंचायती राज, इतने सारे जो है चैप्टर हो चुका है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन की, जो कि चैप्टर नंबर 10 होगा। इसके बाद इसमें बचेगा विविध और विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन। तो ये दोनों चैप्टर जो है मैं इसके अगले वीडियो में कराऊँगा। ठीक है, और इस चैप्टर के साथ इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है वो ग्रामीण समाज का जो है समाप्त होता है। तो ये बुक पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, इसका पीडीएफ जो है आपको सभी का टेलीग्राम लिंक पर जो है चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज के ये वीडियो जो है चैप्टर नंबर 10 है, लास्ट चैप्टर है उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, इसमें देखेंगे। एक बात और, उत्तर प्रदेश से संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक यूपी स्पेशल करके बनाया हुआ जो कि घटना चक्र के बुक का है, और एक जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश जो निकाला हुआ था उसका भी मैंने संपूर्ण संकलन कराया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, उससे भी बहुत सारी जानकारियाँ जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित मिलेंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो है प्रशासनिक एवं भौगोलिक जो है स्थिति देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है, 24 जनवरी 1950 से है, और उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को हर साल मनाते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। प्रदेश का पूर्व नाम की बात करें तो 1 अप्रैल 1937 से ये संयुक्त तो प्रांत था, इसकी राजधानी लखनऊ है, जो अभी इसका नाम बदलने का जो है चल रहा है, न्यूज में है, चर्चा में है लखनऊ। स्थिति की बात करें अक्षांशीय विस्तार, तो उत्तरी अक्षांश में 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट तक, एवं पूर्वी देशांतर में विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक के मध्य बीच में स्थित है। ठीक है, राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राज्य का विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को, इसमें 13 जिलों को काट कर एक राज्य अलग बनाया गया जिसका नाम उत्तराखंड रखा गया। राज्य का क्षेत्रफल की बात करें तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। राजकीय भाषा की बात करेंगे तो देवनागरी लिपि में जो है हिंदी, और 1989 से जो है उर्दू द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है, और इसमें जो है प्रदेश में एससी एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या इसमें जो है 17 है, एससी के लिए व एसटी के लिए 0 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में बात करें सीटें तो 31 हैं। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। वर्तमान में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या टोटल 100 है। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या यहाँ पे 404 है, इसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है, जो कि अब 104वें संविधानी संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो है समाप्त कर दिया गया। इसके बाद सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो है जिला कौन सा है, तो वो है प्रयागराज, जिसमें 12 विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला की बात करेंगे तो इसमें श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट 3 जिले हैं, जिसमें प्रत्येक में 2-2 सीटें विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय यहाँ पे प्रयागराज में है और इसका एक खंडपीठ लखनऊ में है। प्रदेश के कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, उनके नाम जान लेते हैं जिलों के, तो प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर हैं। इसके बाद प्रदेश में श्रम न्यायालय टोटल 20 है। प्रदेश की सीमावर्ती राज्य की बात करें तो उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्व में बिहार एवं झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, और पश्चिम में जो है हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान स्थित है। तो इस तरीके से मिलाकर टोटल 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो इस तरीके से टोटल जो है 9 राज्य जो है सीमा मिलते हैं उत्तर प्रदेश से। प्रदेश सबसे पूर्वी जिला की बात करेंगे तो बलिया जिला आता है। सबसे पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो शामली जिला आता है। सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे तो सहारनपुर जिला का नाम आता है। सबसे दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो सोनभद्र का नाम आता है। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी का नाम आता है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ का नाम आता है। प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है, तो वो है नेपाल। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं तो नेपाल के सीमावर्ती जिलों की बात कर लेते हैं, ये भी पूछा जाता है, तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और
महाराजगंज आता है। टोटल 7 जिले जो हैं वो नेपाल से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को जो है मध्य प्रदेश 11 जिलों को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश, ठीक है। दिल्ली को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद 2 जिले जो हैं तो वो दिल्ली से स्पर्श करते हैं। राज्य में मंडलों की संख्या टोटल 18 है। कौन कौन से हैं तो प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती, इसके बाद चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा व अलीगढ़ है। प्रदेश जिलों की संख्या जो है टोटल 75 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिले आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक की बात करेंगे तो राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष है अशोक का पेड़, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, ये 1938 से स्वीकृत है। राजकीय खेल की बात करेंगे तो हॉकी है। राजकीय भाषा जो है हिंदी है, दूसरी भाषा उर्दू है। राजकीय नृत्य की बात करेंगे तो कथक नृत्य आता है, ठीक है। प्रदेश का नामकरण की बात करेंगे तो आज का उत्तर प्रदेश अतीत में जो है मध्य देश अथवा आर्यावर्त अथवा संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्ष देश के नाम से पुकारा जाता था। 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1877 में इसे जो है उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। इसके बाद 1902 में जो है इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। पुनः 1937 में इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत कर दिया गया। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो 1950 से अब तक उत्तर प्रदेश ही नाम इसका है। उत्तर प्रदेश में प्रथम देख लेते हैं कौन कौन से। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो श्रीमती सुचेता कृपलानी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि 1887 में जो है स्थापना हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा तो 25 फरवरी 1969 से 26 फरवरी 1969 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके बाद देश में प्रथम वायु डाक सेवा की बात करेंगे तो नैनी और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के बीच है उत्तर प्रदेश 1911 में, ठीक है। इसके बाद प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ तो 8 मार्च 1952 को हुआ। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री का नाम सुश्री मायावती है। इसके बाद राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय का नाम राजर्ष पुरुषोत्तम राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है जो कि 1999 में स्थापना किया गया। इसके बाद प्रदेश के विख्यात नगर एवं उनके उपनाम की बात कर लेते हैं तो प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज और प्रयाग इन नामों से भी जाना जाता है। वाराणसी को जो है घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मोक्ष नगरी और काशी के नाम से जाना जाता है। मलिहाबाद को आमों का नगर कहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बगल में पड़ता है। मुरादाबाद जो है बर्तनों का शहर, पीतल नगरी आदि नामों से जानते हैं। आगरा जो है ताज नगरी और पेठा नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या जो है राम नगरी, राम जन्मभूमि स्थल, साकेत और तीर्थनगर नाम से प्रसिद्ध है। अलीगढ़ जो है ताला नगरी नाम से फेमस है। लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर के नाम से फेमस है। कन्नौज जो है इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर के नाम से फेमस है। कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, चर्म उद्योग नगर भी कहा जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। फिरोजाबाद जो है चूड़ी नगरी, कांच नगरी और सुहाग नगरी आदि नाम से फेमस है, ठीक है। तो ये हो गए उपनाम। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण मुगल कालीन इमारतें। इमारतों की बात करेंगे तो उसमें आएगा सर्वप्रथम आगरा। आगरा का किला, आगरा का किला जो है कहाँ पर स्थित है तो ये आगरा में स्थित है। इसके संस्थापक थे अकबर, ठीक है। ताजमहल जो है ये भी आगरा में स्थित है, इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ये भी आगरा में स्थित है, इसको जो है नूरजहाँ बेगम ने बनवाया था, ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये आगरा और दिल्ली में है और इसका निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया था। अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में है, इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा करवाया गया था। अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा आगरा में स्थित है, जहांगीर ने निर्माण करवाया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने करवाया। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा निर्माण। जोधाबाई महल जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। खास महल फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा। पंचमहल ये भी फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसके बाद इलाहाबाद का किला, ये प्रयागराज में स्थित है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा हुआ। न्याय की जंजीर आगरा में स्थित है, जहांगीर ने निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, शाहजहाँ के द्वारा निर्माण करवाया गया।
अब प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए शिक्षा मित्र योजना ये चलाया गया 2000-2001 में और इसका उद्देश्य था प्रमुख प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करना, ठीक है। इसके बाद सर्व शिक्षा योजना चलाया गया 2001-2002 में और इसका प्रमुख उद्देश्य था संपूर्ण साक्षरता हेतु विशेष प्रयास करना, ठीक है। इसके बाद नई योजना आई अनौपचारिक शिक्षा योजना जो कि 1975 में, और ये जो है इसमें पढ़ाई छोड़ चुके विद्यालय जाने वाले योग्य बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना इसका मेन उद्देश्य रहा। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में हुआ आया और ये जो है प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं मुहैया कराना इसका मेन उद्देश्य था। इसके बाद बेसिक शिक्षा परियोजना फर्स्ट 1993 में और इसका मेन उद्देश्य था शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में साक्षरता बढ़ाना। पोषाहार मिड डे मील जिसको कहा जाता है 1995 में स्टार्ट हुआ और इसमें इसका उद्देश्य था नामांकन में वृद्धि करना व स्कूल में बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य रहा। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना 2004 में स्टार्ट किया गया और इसमें पिछड़े विकास खंडों की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना मेन उद्देश्य था। प्रेरणा ज्ञान उत्सव अभियान 2021 में चलाया गया और ये जो है गणित और भाषा विषय के बच्चों को कौशल स्थापना हेतु ये चलाया गया, ठीक है, उद्देश्य है। मोटिवेशनल स्कूल स्कीम ये भी 2021 में स्टार्ट किया गया, इसमें जो है छात्रों की क्षमता का विस्तार करने हेतु ये योजना स्टार्ट किया गया। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एवं वन को देख लेते हैं। देखिए प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो है गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी का प्रवेश अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो बिजनौर जिले से होता है, ठीक है। सबसे कम वन वाला जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो संत रविदास नगर है जो कि भदोही भी कहा जाता था उसे। सर्वाधिक वन वाला जिला जो है क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो सोनभद्र जिला आता है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक है दुधवा नेशनल पार्क और ये लखीमपुर खीरी में स्थित है 1977 में, ठीक है। इसके बाद राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि चंदौली में है 1957 में से बनाया गया। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो हस्तिनापुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि ललितपुर में स्थित है। 5.41 वर्ग किलोमीटर मात्र इसकी जो है क्या कहते हैं कि क्षेत्र है, क्षेत्रफल है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार की बात करेंगे तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है 1984 में। सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात करेंगे तो लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि कन्नौज में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी विहार की बात करेंगे तो पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है 1.1 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है, ठीक है। अब प्रमुख उद्योग जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के तो कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है ये कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये जो है प्रयागराज के नैनी में रायबरेली एवं मनकापुर गोंडा में स्थित है। तीन जगह इसका इंडस्ट्रीज स्थापना किया गया है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये है रेणुकूट सोनभद्र में, ठीक है। कहाँ पर है? रेणुकूट सोनभद्र में। चमड़ा उद्योग ये भी कानपुर में स्थित है, मुख्य केंद्र कानपुर है और इसके बाद आगरा में भी, मेरठ, उन्नाव और लखनऊ में भी इसका कार्य होता है। कागज उद्योग की बात करेंगे तो ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और रामपुर में होता है। कांच चूड़ी उद्योग की बात करेंगे तो ये जो है फिरोजाबाद में होता है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस हैं। इसके बाद दिया सिलाई उद्योग की बात करेंगे तो बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर में होता है। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड जो है ये बाराबंकी में है। ट्रांसफार्मर्स कारखाना जो है ये झांसी में है। तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में है। ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर में है। इसके बाद चीनी मिट्टी बर्तन पॉटरी उद्योग की बात करेंगे तो खुर्जा बुलंदशहर में है और चिन्हट लखनऊ में है। पीतल पात्र उद्योग की बात करेंगे तो मुरादाबाद में। ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र अलीगढ़ में। कलात्मक संगमरमर वस्त्र उद्योग आगरा में स्थित है। इसके बाद कला प्रदेश से देख लेते हैं तो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक की बात करेंगे तो आसित कुमार हलदार हैं। निराला आर्ट गैलरी जो है ये प्रयागराज में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज की स्थापना जो 1985-86 में हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्र केंद्र क्षेत्रीय इकाई जो है वाराणसी 1987 में हुआ स्थापना इसका। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ की स्थापना 1975 में हुआ। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना जो 1988-89 में। राज्य ललित कला अकादमी जो कि लखनऊ में इसकी स्थापना 1962 में हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में, इसकी स्थापना 1969 में हुआ। तबला एवं सितार का आविष्कार जो किया ये किसके द्वारा किया गया था तो अमीर खुसरो ने किया था। बैजू बावरा जो संगीत के क्षेत्र में पारंगत थे वो था राग मेघ, ठीक है। राग मेघ में जो है ये बैजू बावरा संगीत जो क्षेत्र था राग मेघ इनका उसमें ये पारंगत के। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किसने किया तो सुल्तान हुसैन सरकी जो कि जौनपुर के इन्होंने किया था।
प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक के लिए प्रसिद्ध घरानों की बात करें तो लखनऊ घराना व वाराणसी घराना फेमस है। राज्य में दूरदर्शन सेवा की शुरुआत जो 1975 में लखनऊ से हुआ। आधुनिक हिंदी रंगमंच नाटक का जनक जो है भारतीय हरिश्चंद्र को जाना जाता है। नाटक रीति से लिखा गया प्रथम नाटक जो था वो नहुष था। वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाटक की बात करेंगे तो रामलीला, रासलीला व नौटंकी है। इसके बाद भारतीय भवन पुस्तकालय जो है ये प्रयागराज में स्थित है। राज पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश सिंघी अकादमी 1996 में ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी 1999 में स्थापित, ये लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में लखनऊ में स्थापित है। हिंदुस्तानी अकादमी 1927 में प्रयागराज में स्थापित है। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार यानी कि 1885 में निकला था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो कि 1976 में स्थापना किया गया ये भी लखनऊ में है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन ये प्रयागराज में स्थित है। अब विशेष स्थल पार्क सिटी व केंद्र की बात करेंगे तो इसमें अगर हम देखते हैं तो लोहिया पार्क ये लखनऊ में है। रमाबाई अम्बेडकर मैदान लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है ये नोएडा व आगरा में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में स्थित है। प्लास्टिक सिटी जो है ये दिबियापुर औरैया में स्थित है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज व आगरा में स्थित है। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन जो है ये सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में स्थित है। एशिया का प्रथम DNA बैंक जो है ये लखनऊ में है। नाइट सफारी पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर तो ये भी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। प्रदेश में कार्यरत फोरेंसिक लैब जो है टोटल 3 है, पहला आगरा, दूसरा लखनऊ, तीसरा वाराणसी में है। ठीक है, इसके बाद हेरिटेज सिटी की बात करेंगे तो इसमें आएगा आगरा एवं वाराणसी, दो हेरिटेज सिटी है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद वेव सिटी की बात करेंगे तो ये नोएडा में है। बुद्धा थीम पार्क जो है ये सारनाथ में बनाया गया है। टॉय सिटी की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहते हैं। त्रिवेणी या संगम कहाँ पर स्थित है तो ये प्रयागराज में स्थित है। राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित किया गया। राज्य का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो है ये मुरादाबाद व सीतापुर में है। राज्य से होने वाले प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी व नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इसके बाद अब इसमें नोट है कुछ देख लेते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है मूल निवासी है ग्वालियर मध्य प्रदेश के हैं तथा नरेंद्र मोदी जो है मूल निवासी बड़नगर गुजरात के हैं और इनका संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित होने के कारण इन्हें उत्तर प्रदेश से बनाए गए प्रधानमंत्रियों में रखा जाता है। ठीक है, आगरा की स्थापना किसने किया था सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था 1504 ईस्वी में। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था तो अयाजिसा था इसका प्राचीन नाम अयोध्या का। राज्य का वर्तमान नाम प्रारंभ हुआ तो ये 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ। रहुला नामक लोकनाट्य से संबंधित है तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र संबंधित है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल की बात करेंगे तो काशी, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या, नैमिषारण, शक्तिपीठ, विंध्यावासिनी देवी मंदिर, देवी पाटन, रीटा मीठा साहब, देवा शरीफ, कलियर शरीफ, नानक मत्ता आदि जो है ये धार्मिक तीर्थस्थल हैं। प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की बात करेंगे तो कजरी, रसिया, चैती, पूरन, ढोला, भरथर, भगत, आल्हा, बिरहा, ब्रज आदि जो है ये प्रमुख लोकगीत हैं। अब प्रदेश के वन्य जीव संबंधित प्रमुख कार्यक्रम की बात करते हैं तो लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र जो कार्यक्रम है ये 1984-85 में जो लखनऊ में स्थापन किया गया इसका स्थान था और इसका उद्देश्य था काला हिरण, उदबिलाव, कोकर आदि लुप्त प्राणियों का जो है प्रजनन करना। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में चलाया गया और इसका उद्देश्य था मगर एवं घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण करना। घड़ियाल प्रजनन योजना जो है लखनऊ के कुकरेल में और कतरनिया बहराइच में स्थित है। यहाँ पे जो है घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है ये दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए 112 सदस्यीय दल का गठन किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे तो 1992 भारत सरकार द्वारा इसके तहत जो उत्तर प्रदेश में 3 शिवालिक बिजनौर व वन्य प्रभागों को सम्मिलित किया गया है। नेशनल कंजर्वेशन प्लान फॉर इकोसिस्टम 2013-14 में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। नाइट सफारी पार्क योजना जो है इटावा में ये बब्बर शेर एवं लायन सफारी प्रजनन केंद्र है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार की बात करते हैं
तो नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में स्थापना उन्नाव में स्थित है, ठीक है। लाखबहोसी पक्षी विहार 1988 में कन्नौज में स्थित है। ओखला पक्षी विहार यह है गौतम बुद्ध नगर में, 1990 में स्थापना किया गया। विजय सागर पक्षी विहार 1990 में यह महोबा जिला में स्थित है। पटना पक्षी विहार एटा जिला में स्थित है, 1990 में स्थापना किया गया। सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 में आगरा इटावा में स्थित है। सुराहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार 1991 बलिया जिला में स्थित है। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार 2003 में प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार की बात करते हैं, देखिए चंबल वन जीव विहार 1979 में आगरा इटावा में स्थित है। कतर्निया वन जीव विहार जो है ये 1976 में स्थापना किया गया, बहराइच में स्थित है। रानीपुर वन जीव विहार 1977 में स्थापना किया गया, बांदा में स्थित है। चंद प्रभा वन जीव विहार 1957 में स्थापना किया गया, चंदौली में स्थित है। कैमूर वन जीव विहार 1982 में स्थापना किया गया, मिर्जापुर में स्थित है। सुहेलौ वन जीव विहार 1988 में स्थापना किया गया, गोंडा बलरामपुर व श्रावस्ती जिले में स्थित है। कछुआ वन जीव विहार 1989 में ये वाराणसी में स्थित है। कछुआ से संबंधित प्रजनन केंद्र वन जीव विहार ये सब वाराणसी में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करते हैं, देखिए गंगा नदी इसका उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो रामगंगा घाघरा गंडक महानंदा कोसी यमुना टोंस और सोन नदियाँ आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी की बात करेंगे तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड में यह भी पड़ता है। इसकी सहायक नदियों में चंबल बेतवा व केन नदियाँ तीन नदियाँ आती हैं। घाघरा नदी जो है यह मापचा चुंगो हिमनद से निकलता है, और इसकी सहायक नदियों में राप्ती नदी करनालीसिख नदी टीला व सेठी नदी आदि घाघरा की सहायक नदियाँ, ठीक है। गोमती नदी जो है वह फुलहार झील पीलीभीत जिले से निकलती है, और इसकी एकमात्र सहायक नदी सई नदी है। चंबल नदी की बात करें तो ये जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में काली सिंध छिपरा एवं बनास नदी जो है चंबल की सहायक नदियाँ हैं। राप्ती नदी जो है रोकुम कोट नेपाल से निकलती है। इसकी एकमात्र सहायक नदी रोहिणी नदी है। इसके बाद सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी सहायक नदियों में रिहंद कन्हार उत्तरी कोयल आदि जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी जो है राजस्थान मध्य प्रदेश में निकलती है। शारदा नदी जो है मिलाम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय से निकलती है। टोंस नदी जो है तरमाकुंड मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी एक सहायक नदी बेलन नदी है। केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। सिवा उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्र भूम स्थल की बात करते हैं, तो पहला स्थल है इसमें जो है नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव जिले में है। घोषणा हुआ इसका 19 तारीख को हुआ था, अक्टूबर 2019 में, ठीक है। इसमें आप ये सन याद रखिएगा 2019। पार्वती अर्घा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है 2019 में, इसकी भी घोषणा की गई। समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है 2019 में, ये भी घोषणा हुआ। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में 2019 में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। सरसई नवार झील इटावा में। सूर सरोवर आगरा में। हैदरपुर आर्द्रभूम जो है ये मुजफ्फरनगर बिजनौर में स्थित है जो कि 10 दिसंबर 2021 को इसकी घोषणा की गई। तो ये भी लेटेस्ट है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेश, तो इसमें प्रदेश में जो है टोटल 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं बनाए गए हैं। आलू निर्यात क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें आपका आता है आगरा, ठीक है। आलू निर्यात जोन जो बनाया गया वो कहाँ पर है, तो वो आगरा में है, ठीक है। अफीम फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है, तो ये गाजीपुर में है। सर्वाधिक सिंचाई जो है ये किससे होता है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होता है, इसके बाद नहर फिर कुआं से होता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये कहाँ पर, लखनऊ में है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि वन की अनुसंधान केंद्र ये झांसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में है। इसका पूर्व नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसके बाद कृषि प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है। सैम हिगन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय ये प्रयागराज में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में।
इसके बाद आलू अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाएगा तो बाबूगढ़ गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, अब सिंचाई के साधन देख लेते हैं। तो नलकूप की सिंचाई साधन है तो ये 74.9% सिंचाई होती है नलकूप से, नहर से जो है 15.2% और कुआं से 8.7% सिंचाई होती है, तालाब झील पोखर से 0.5% सिंचाई और अन्य साधन 0.7% से होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नलकूप से होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नहर नदी और लाभान्वित जिलों की बात कर लेते हैं। तो बेतवा नहर जो कि झांसी में है और बेतवा परीक्षा नदी पर है और ये जो है इससे लाभान्वित जिले झांसी जालौन हमीरपुर है। ठीक है, गुरुसराय एवं मदर नहर सपरार नहर जो है सपरार नदी पर यह इससे लाभान्वित जिले झांसी और हमीरपुर है। बेलन नहर बेलन नदी पर यह प्रयागराज इससे लाभान्वित जिला है। नगवा बांध नहर कर्मनाशा नदी पर इससे मिर्जापुर और सोनभद्र जिला लाभान्वित होता है। ललितपुर बांध नहर जो है झांसी ललितपुर जौलोन और हमीरपुर जिला जो है इससे लाभान्वित होता है। रामगंगा नहर जो है रामगंगा नदी पर इससे लाभान्वित वाले जिले की बात करेंगे तो बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद व रामपुर आता है। गंडक नहर जो कि बूढ़ी गंडक नदी पर स्थित है और ये जो है कुशीनगर महाराजगंज गोरखपुर देवरिया आदि जिलों में जो है इसके लाभान्वित है। सरयू नहर जो कि घाघरा नदी पर है और इससे लाभान्वित वाले जिले की बात करेंगे तो बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा संत कबीरनगर सिद्धार्थनगर बस्ती गोरखपुर महाराजगंज जिला आता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट में इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर जिला से नहर की स्थापना शिलान्यास किया है। रिहंद घाटी परियोजना की बात करें तो रिहंद नदी पर है इसके लाभान्वित जिले जो की बात करेंगे तो मिर्जापुर सोनभद्र प्रयागराज और वाराणसी जिला आता है। मेजा जलाशय नहर जो है बेलन नदी पर है इससे लाभान्वित वाले जिले प्रयागराज व मिर्जापुर है। अर्जुन बांध नहर घसान नदी पर है ये इससे लाभान्वित जिला हमीरपुर है। अहरोरा बांध नहर जो है गडई नदी पर है इससे लाभान्वित जिला जो है वाराणसी और मिर्जापुर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर जो है माता टीला नदी पर है और इससे लाभान्वित वाला जिला जो है झांसी ललितपुर हमीरपुर व जालौन आता है। केन नहर जो है ये पन्ना नदी पर है इससे लाभान्वित होने वाला जिला बांदा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नहर तंत्र देख लेते हैं। तो पूर्वी यमुना नहर इसका उद्गम स्थल सहारनपुर यमुना नदी पर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, और ये इसकी लंबाई है 1550 किलोमीटर। लाभान्वित जिले सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ शामली हापुड़ और गाजियाबाद हैं। ठीक है, इसके बाद ऊपरी गंगा नहर जो है इसका उद्गम स्थल हरिद्वार में है गंगा नदी पर है और 6496 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इससे होने वाले लाभान्वित जिले जो है सहारनपुर मेरठ मुजफ्फरनगर शामली गाजियाबाद हापुड़ बुलंदशहर अलीगढ़ मथुरा एटा फिरोजाबाद मैनपुरी कानपुर फर्रुखाबाद और फतेहपुर जिले आते हैं। आगरा नहर की बात करेंगे तो ये ओखला से उद्गम होता है इसका और यमुना नदी पर है ये बना हुआ। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 1873 किलोमीटर है और इससे होने वाले लाभान्वित जिले हैं जो नई दिल्ली गुड़गांव मथुरा आगरा भरतपुर है। ठीक है, निचली गंगा नहर की बात करेंगे तो ये नरौरा से उद्गम स्थल इसका निकलता है और यह गंगा नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 8278 किलोमीटर है और इससे लाभान्वित वाला जिला जो है बुलंदशहर अलीगढ़ एटा फिरोजाबाद मैनपुरी फर्रुखाबाद और प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश का होता है। ठीक है, शारदा नहर जो है बनवासा जगह पर है और शारदा नदी पर जो कि नेपाल सीमा पर है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर है। ठीक है, इसकी लंबाई है 9961 किलोमीटर और इससे लाभान्वित जिले जो है पीलीभीत बरेली शाहजहाँपुर लखीमपुर खीरी हरदोई सीतापुर बाराबंकी उन्नाव लखनऊ कराय बरेली सुल्तानपुर प्रतापगढ़ व प्रयागराज आदि आते हैं। ठीक है, प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। सीमेंट कारखाना की बात करेंगे तो चुर्क वडाला जो कि सोनभद्र में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर में 1961 से, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर में 1958 से। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मडुआ डी वाराणसी में स्थित है। सिंगरौली कोयला खान जो है सिंगरौली सोनभद्र में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है गाजियाबाद में स्थित है। उर्वरक कारखाना जो है गोरखपुर गोंडा प्रयागराज कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग में हथकरघा उद्योग की बात करेंगे तो कालीन एवं दरिया ये दो उद्योग जो है ये मिर्जापुर भदोही आगरा वाराणसी व बरेली जिला इसके लिए फेमस है। कंबल उद्योग जो है मुजफ्फरनगर नजीबाबाद लावड़ यानी कि मेरठ में स्थित है। रेशमी साड़ियाँ जो है बनारस में बनाई जाती हैं। जरी व चिकन पर गोटे का काम जो है लखनऊ व वाराणसी में होता है। ठीक है, पीतल एवं अन्य धातु उद्योगों की बात करते हैं तो पीतल के बर्तन जो है मुरादाबाद और मिर्जापुर क्षेत्र में बनता है जिला में बनता है। ताला उद्योग जो है अलीगढ़ में है। चाकू उद्योग रामपुर में है। कैंची उद्योग मेरठ में है। ठीक है,
इसके बाद प्रदेश में जो है स्थित प्रमुख शोध संस्थान की बात करेंगे तो भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है। इसके बाद इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स जो है लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट रायबरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है नोएडा में। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो है नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये नोएडा में स्थित है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर जो है गाजियाबाद में स्थित है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सहारनपुर में है। कांच एवं सिरेमेटिक अनुसंधान प्रसार केंद्र ये खुर्जा बुलंदशहर में है। कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत रविदास नगर भदोही में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी ये प्रयागराज अमेठी में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान सैफई इटावा में है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और बात करते हैं तो राज्य का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो है हथकरघा उद्योग। सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है तो कृषि उद्योग है। प्रथम चीनी मिल की बात करेंगे तो प्रतापपुर देवरिया में लगाया गया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है। अफीम कारखाना ये गाजीपुर में है। ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी और मेरठ में है। कोयला खनन उद्योग जो है सिंगरौली सोनभद्र में। परमाणु सौर ऊर्जा संयंत्र नरौरा और बुलंदशहर में। बांसुरी उद्योग पीलीभीत में है। टेराकोटा उद्योग गोरखपुर में है। और इसके बाद दिया सिलाई उद्योग बरेली सहारनपुर प्रयागराज मेरठ और रामपुर में है। ठीक है, इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र पार्क और सिटी की बात करते हैं तो राज्य का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करेंगे सॉरी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो कि राज्य का प्रथम है ये कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करेंगे तो नोएडा व आगरा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में है। साइंस सिटी लखनऊ में है। लायन सफारी इटावा में। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात औरैया में। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जो है ये वाराणसी में है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र इसके बारे में देखते हैं तो भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु जो है 2000-2001 में घोषित आयात निर्यात नीति में विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ स्थापित करने की योजना बनाई गई। वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि SEZ की स्थिति 31 अक्टूबर 2020 तक इस प्रकार है जो कि हम देखते हैं। ठीक है, औपचारिक स्वीकृति प्राप्त SEZ जो है वो 24 है। सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त SEZ जो है वो 1 है। अधिसूचित SEZ जो है 21 है। ठीक है, इसके बाद 31 अक्टूबर 2020 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 13 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु तो प्रचार प्रसार के लिए नई दिल्ली कोलकाता मुंबई में उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किए गए हैं। हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 के तहत भारत सरकार द्वारा सूती व रेशमी साड़ी तौलिया गमछा कारपेट लुंगी आदि उत्पादों को आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, अब औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर की बात करेंगे तो पहली प्रथम योजना में औद्योगिक विकास दर थी 1.6%, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3.2% औद्योगिक विकास दर थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 9.2% विकास दर हुआ, चौथी में जो है 6.7% हुआ, इसके बाद पाँचवीं में जो है 7.3%, छठवीं में 9.5%, सातवीं में 8.8% और आठवीं में जो है 3.3%, इसके बाद नवीं में घटा -0.9% सबसे कम हुआ। ठीक है, इसके बाद दसवीं पंचवर्षीय योजना में 10.8% सर्वाधिक रहा और 11वीं पंचवर्षीय में 5.4% औद्योगिक विकास दर रहा। इसके बाद राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र की बात करें तो ताप विद्युत संयंत्र और उसके प्रकार और क्षमता। दादरी ताप विद्युत संयंत्र जो है ये कोयला आधारित है, इसकी क्षमता है 1820 मेगावाट। टांडा ताप विद्युत संयंत्र जो है कोयला आधारित है, इसकी क्षमता है 1760 मेगावाट। फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र जो है कोयला आधारित ये भी है, इसकी क्षमता है 1550 मेगावाट। सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र जो है कोयला आधारित है। रिहंद ताप विद्युत संयंत्र ये भी कोयला आधारित है।
ठीक है। और इसके बाद औरैया जो है ये गैस आधारित है, औरैया ताप विद्युत संयंत्र गैस आधारित और गैस ऊर्जा से दादरी ताप विद्युत संयंत्र पर 829 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है इसकी, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्र की, तो इसमें जो अगर आता है तो अनपड़ा सोनभद्र ताप विद्युत संयंत्र है, इसकी क्षमता 1630 मेगावाट है। ओबरा सोनभद्र है, इसकी 1288 क्षमता मेगावाट है। हरदुआगंज अलीगढ़ में है जो 665 मेगावाट क्षमता है। पनकी कानपुर में 210 मेगावाट क्षमता है। परीक्षा झांसी में 1140 मेगावाट क्षमता है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और कहां से कहां तक फैला ये देखेंगे उत्तर प्रदेश में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 जो वर्तमान में NH19 कहा जाता है इसको, ये दिल्ली मथुरा आगरा कानपुर प्रयागराज वाराणसी और कोलकाता तक फैला हुआ है। NH3 जो है आगरा ग्वालियर इंदौर नासिक मुंबई तक जाता है। NH7 वर्तमान में NH44 में जो इसको कहा जा रहा है तो ये वाराणसी मनगवा रीवा कन्याकुमारी तक जाता है। NH11 आगरा जयपुर बीकानेर। NH24 ये दिल्ली बरेली लखनऊ। NH25 जो लखनऊ कानपुर झांसी शिवपुरी। NH26 झांसी लखनादेव। 27 है NH27 जो है प्रयागराज से मनगवा। NH29 है जो कि गोरखपुर गाजीपुर वाराणसी। NH56 है जो है कि लखनऊ टू वाराणसी। इसके बाद NH86 है जो कि कानपुर छतरपुर सागर तक जाता है। उत्तर प्रदेश होकर गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या टोटल 60 है, ठीक है। अब यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे एक साथ देखते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कुल लंबाई यमुना एक्सप्रेसवे की 165.5 किलोमीटर है, ठीक है। और गंगा एक्सप्रेसवे जो है नोएडा से लेकर बलिया तक है, इसकी कुल लंबाई 1047 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे से लाभान्वित जिले की बात करें गौतम बुद्ध नगर अलीगढ़ मथुरा हाथरस और आगरा आता है। और इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे से लाभान्वित जिले की बात करेंगे तो बलिया गाजीपुर वाराणसी भदोही प्रयागराज ऊंचाहार उन्नाव कानपुर कन्नौज फतेहगढ़ बदायूं नरोरा बुलंदशहर नोएडा आदि जिले आते हैं, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वह गाजीपुर से लखनऊ जाता है, इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। इस लाभान्वित जिले में गाजीपुर मऊ आजमगढ़ अंबेडकर नगर सुल्तानपुर अयोध्या अमेठी बाराबंकी व लखनऊ आता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो आगरा से लखनऊ जाता है, इसकी लंबाई 302 किलोमीटर। इससे लाभान्वित वाले जिले जो है आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी इटावा औरैया कानपुर कानपुर नगर हरदोई उन्नाव व लखनऊ आता है, ठीक है। अब रेल संस्थान की स्थिति स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये इसकी कहाँ पर स्थित है, तो ये मंडुआ डी वाराणसी में स्थित है। 1956 में स्थापना किया गया। रेल रिपेयर कोच जो है ये गोरखपुर में स्थित है। रेल कोच कारखाना देश का तीसरा जो है लालगंज रायबरेली जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, तो ये प्रयागराज जो कि इलाहाबाद जिसको कहा जाता था, तो ये 1985 में स्थापना किया गया। रेलवे संग्रहालय जो है वाराणसी में है। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र जो है गाजियाबाद में है। रेल सुरक्षा आयोग जो है ये लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों की बात करते हैं तो देखिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अमौसी हवाई अड्डा जिसको कहा जाता था, ये लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा इसका पुराना नाम था इसका, ये कहाँ पर है वाराणसी में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा यह प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा यह कानपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या एयरपोर्ट फैजाबाद में। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है जो कि गौतम बुद्ध नगर में। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है ये ग्रेटर नोएडा में। IIT कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर जिसको हवाई अड्डा कहा जाता है कानपुर में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कुशीनगर में स्थित है, ठीक है। परिवहन के क्षेत्र में देखें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की निगम की स्थापना जून 1972 में किया गया था। निगम मुख्यालय की ये जो है ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति जो है ये 22 सितंबर 2014 से लागू किया गया। पहली बस सेवा जो चलाया गया उत्तर प्रदेश में लखनऊ से बाराबंकी चलाया गया था 1947 में, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है तो गोरखपुर में। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये लखनऊ में। प्रदेश में पहली रेलगाड़ी जो है प्रयागराज कानपुर के बीच मार्च 1859 में चलाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है देश का सबसे लंबा जलमार्ग है जो कि इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज
रायबरेली में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य की बात कर लेते हैं, तो इसमें देखिए काशी महाजनपद की बात करेंगे तो ये इसकी राजधानी वाराणसी है और वर्तमान स्थिति वाराणसी के आसपास से जिला स्थित है, ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती व अयोध्या, ये अवध क्षेत्र का पार्ट है। कुरुक्षेत्र की कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करते थे और वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी और ये प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र वत्स महाजनपद कहलाता था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, मथुरा के आसपास का क्षेत्र होता था। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी, देवरिया कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। चेद महाजनपद की राजधानी सुक्तिमत या सोतीवती थी जो कि बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र में फैला हुआ था। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र या रामनगर, कांपिल या फर्रुखाबाद में इसकी राजधानी हुआ करती थी जो कि रुहेलखंड क्षेत्र के बरेली बंदायू व फर्रुखाबाद जिले में फैला हुआ था। गुप्तकालीन अभिलेख व शिलालेख स्तंभ लेख की बात करते हैं तो बिलसड़ अभिलेख जो कि एटा में इसकी स्थिति है और इसमें जो है कुमारगुप्त के काल की घटनाओं को ये बताता है। गढ़वा अभिलेख जो है प्रयागराज में स्थित है और यहाँ से चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त के दो और स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख प्राप्त हुआ है। करमदंडा अभिलेख फैजाबाद अयोध्या में स्थित है, शिव की प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है। मन कुंवर अभिलेख प्रयागराज में स्थित है, कुमारगुप्त से संबंधित है। प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो 1888 में प्रयागराज अधिवेशन हुआ। स्थान अध्यक्ष था उस समय जॉर्ज यूले और विशेष था कांग्रेस का संविधान तय किया गया था इस अधिवेशन के तहत। 1892 में फिर प्रयागराज में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और ये इंग्लैंड में प्रस्तावित है, इसकी ये विशेषता है। 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, उस समय अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ, उस समय अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी। 1910 में जो है प्रयागराज में अधिवेशन हुआ, सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, उस समय सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। लखनऊ में 1936 में फिर अधिवेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष थे। 1940 में मेरठ की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी के अध्यक्षता में हुआ था। काकोरी षडयंत्र जो है 1925 से संबंधित क्रांतिकारी एवं फांसी स्थल की बात करते हैं तो रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में फांसी दी गई इनको और इसके बाद अशफाकउल्ला खां इन्हें फैजाबाद अयोध्या में फांसी दिया गया। राजेंद्र लाहड़ी गोंडा में फांसी दिया गया। रोशन सिंह नैनी प्रयागराज में फांसी दिया गया, ठीक है। प्रमुख संस्थाएं और स्थिति की बात करें तो म्यूजिक व भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। राज्य कला अकादमी जो है ये ललित कला अकादमी लखनऊ में, भारतेंद्र नाट्य अकादमी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में और राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। प्रमुख घराना और उसके संस्थापक की बात करेंगे तो किराना घराना के संस्थापक हैं अब्दुल करीम खां, अब्दुल वाहिद खां। अतरौली घराना के संस्थापक हैं काले खां व चांद खां। सहारनपुर घराना के संस्थापक हैं खलीफा मोहम्मद। फतेहपुर सीकरी घराना के संस्थापक हैं जैनू खां, जोरावर खां। अलीगढ़ घराना के संस्थापक हैं नत्थे खां व जोधे खां। आगरा घराना के संस्थापक सुजान खां व उस्ताद घग्घे खुदा हैं। ग्वालियर घराना के हद्दू खां व नत्थू खां हैं, ठीक है। इसके बाद सहसवान घराना के संस्थापक इनायत हुसैन खां। सैनिया घराना के संस्थापक वजीर अली खां हैं। प्रमुख मेले व उत्सव की बात करें तो कैलाश मेला ये आगरा में लगता है, कैलाश एवं सिकंदरा में। बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला के नाम से फेमस है आगरा में लगता है। गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में लगता है। नवचंदी मेला मेरठ में लगता है। लठमार होली बरसाना मथुरा में होता है। सोरो मेला कासगंज में लगता है। सैयद सलार उर्स ये भी मेला एक प्रकार का बहराइच में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। ददरी मेला जो कि पशु मेला है बलिया में लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। गोविंद शाह मेला आजमगढ़ अम्बेडकर नगर में लगता है और माघ मेला प्रयागराज में लगता है। प्रमुख महोत्सव की बात करते हैं तो गंगा महोत्सव यह वाराणसी व प्रयागराज में मनाया जाता है। गंगा नदी के तट पर मनाया जाने वाला 5 दिवसीय का आयोजन इसमें किया जाता है। सुलह कुल उत्सव ये आगरा में मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रदर्शन का है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन यहाँ पर होता है। ताज महोत्सव प्रत्येक फरवरी मंथ में होता है आगरा में और इसमें मुगलकालीन संस्कृति भारतीय ललित किलाओं का प्रदर्शन जो है किया जाता है। बिटूर गंगा महोत्सव जो है कानपुर में होता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में
कांपिल उत्सव फरुखाबाद में होता है, जैन मंदिरों में आयोजित किया जाता है। सैफई महोत्सव सैफई इटावा में होता है प्रत्येक वर्ष जनवरी में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में होता है, मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। नृत्य कला शास्त्रीय की बात करें तो ख्याल नृत्य जो है ये क्षेत्र, स्थान की बात करेंगे तो बुंदेलखंड स्थान। इसकी विशेषता है पुत्र जन्मोत्सव पर ये ख्याल नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ये एक घड़ा नृत्य है। राहुला नृत्य जो है बुंदेलखंड से संबंधित है, ये लोक कथन कहावतों का मंचन किया जाता है इसमें। पाई डंडा या मौनिया नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है, बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा ये किया जाता है। राई नृत्य या मयूर नृत्य बुंदेलखंड में फेमस है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य यह है, ठीक है। कार्तिक गीत नृत्य जो है बुंदेलखंड में फेमस है, ये श्री कृष्ण गोपियों के संबंधन का वर्णन किया जाता है। चौरसिया नृत्य जो है जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। कर्मा नृत्य जो है ये मिर्जापुर व सोनभद्र में जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। धुरिया नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है, कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करते हैं। इसके बाद लठमार दिवाली नृत्य जो है चित्रकूट में स्थित है, फेमस है, ये दीपावली के अवसर पर होता है। चौलर नृत्य जो है मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में है और ये अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। थड़िया नृत्य जो है सोनभद्र में फेमस है, संतान की कामना पूरी होने पर होता है। कठघोड़वा नृत्य जो है पूर्वांचल में फेमस है, मांगलिक अवसरों पर होता है। सौरा नृत्य व ढोला नृत्य जो है सोनभद्र व मिर्जापुर में स्थित है, आदिम समाज के युवक कुछ प्रमुख अवसरों पर इसको करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रसिद्ध पुरस्कार एवं सम्मान की बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार महिलाओं एवं बच्चों की वीरता के प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। इसमें 1,00,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जो होते हैं वो साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहला उसमें विश्व भारती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 5,01,000 रुपये के साथ ताम्रपत्र सरस्वती देवी की प्रतिमा प्रदान किया जाता है। वाल्मीकि पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2,01,000 रुपये ताम्रपत्र एवं सरस्वती देवी की प्रतिमा प्रदान किया जाता है। महर्षि व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 2,01,000 रुपये ताम्रपत्र व सरस्वती देवी की प्रतिमा प्रदान किया जाता है। भारत भारती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इसमें 8,00,000 रुपये प्रदान किया जाता है। लोहिया साहित्य सम्मान की बात करेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा इसमें 5,00,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। हिंदी गौरव सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 5,00,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी एवं लक्ष्मण पुरस्कार लक्ष्मीबाई लक्ष्मण पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 3,11,000 रुपये प्रशस्ति पत्र लक्ष्मी व रानी लक्ष्मीबाई की जो है कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। यश भारती सम्मान जो है साहित्य कला संगीत खेलकूद के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। 11,00,000 रुपये प्रशस्ति पत्र एवं साल इसमें प्रदान किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान 5,00,000 रुपये, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 5,00,000 रुपये, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रत्येक वर्ष 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिसमें 11,00,000 रुपये सम्मान राशि प्रदान की जाती है। अब समाचार पत्र संपादन और स्थान, तो ब्राह्मण समाचार पत्र प्रताप नारायण मिश्रा द्वारा कानपुर से किया गया था। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी के द्वारा जो कि प्रेमघन इनका उपनाम है, इन्हें मिर्जापुर स्थान से इन्होंने संपादित किया था। इंदु समाचार पत्र जो है अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा वाराणसी से संपादन। प्रताप समाचार पत्र जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से 1913 से किया था। हंस समाचार पत्र जो है मुंशी प्रेमचंद वाराणसी के द्वारा। अभ्युदय समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय प्रयागराज के द्वारा प्रयागराज से। कवि वचन सुधा जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बनारस से इसका संपादन किया। दैनिक हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया संपादन। कल्याण जो है गीता प्रेस के द्वारा गोरखपुर से इसका संपादन किया जाता है। अखंड ज्योति जो है मथुरा के द्वारा होता है, मथुरा से होता है। सरस्वती जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। आरोग्य जो है गोरखपुर से होता है। ज्ञान भारती लखनऊ से। नई तालीम वाराणसी से। राष्ट्रमत जो है कानपुर से। जहाँ जहानुमा भारत में उर्दू का पहला अखबार जो है ये सदा सुखलाल के द्वारा कलकत्ता से संपादन किया गया। सरदल अखबार प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार है जो कि 1846 में प्रोफेसर सीफेंक द्वारा आगरा से किया गया था। कौमी आवाज़ यानी कि देश की आवाज़ जवाहरलाल नेहरू रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से संपादन किया गया। वीर भारत बस्ती से हुआ संपादन, आज शिवप्रसाद गुप्त द्वारा हुआ। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा इलाहाबाद प्रयागराज से इसका संपादन किया गया। जनजात जनपद निवास स्थान की बात करते हैं तो गोंड धुरिया नायक ओझा पधारी और राजगोंड जनजातियाँ जो है ये महाराजगंज सिद्धार्थनगर बस्ती गोरखपुर देवरिया मऊ आजमगढ़ गाजीपुर वाराणसी मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में इनका निवास स्थान पाया जाता है।
खरवार या खैरवार जनजातियाँ जो है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में निवास करती हैं। सहरिया जनजाति जो है ललितपुर में निवास करती हैं। बैगा, भुइया, भुइयाँ, पहाड़िया, अगरिया, पटारी जनजाति सोनभद्र में निवास करती हैं। पांखा व पनिका सोनभद्र व मिर्जापुर में निवास करती हैं। चेरो जनजाति जो है सोनभद्र, चंदौली व वाराणसी में इनका निवास स्थल है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित 1887 में 2005 से इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये वाराणसी से 1916 से स्थापित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में 1920 में 1975 से केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रदान किया गया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1989 से 1996 से केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रदान किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 से। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 से स्थापना। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है। ठीक है, उच्च शिक्षा प्रदेशीय विश्वविद्यालय की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैसिंह विश्वविद्यालय। बहादुर सिंह ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में 2005 में बनाया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापना किया गया। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में है। राजेंद्र प्रताप सिंह या रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ये लखनऊ में स्थापना किया गया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया जिला में। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल व सिद्धार्थनगर में। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में स्थित है। मुक्त विश्वविद्यालय एक है राजर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में। ठीक है, स्पोर्ट्स कॉलेज की बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफ इटावा में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में प्रस्तावित है। इसके बाद कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। और बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में स्थित है। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक संरचना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल, 75 जिला, 4 आर्थिक संभाग, 915 नगर एवं नगरों का समूह, 17 नगर निगम, 821 समुदाय विकास खंड, 199 नगर पालिका परिषद, 457 नगर पंचायत, 8135 न्याय पंचायत और 59,019 ग्राम पंचायतों की संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं मंडल और उसमें जिलों की संख्या और उससे संबंधित जिले, तो वाराणसी मंडल में टोटल 4 जिले हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। प्रयागराज मंडल में भी टोटल 4 जिले हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। ठीक है, चित्रकूट धाम इसका मुख्यालय बांदा है। इस मंडल में जो है 4 जिले हैं, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। देवीपाटन का मुख्यालय गोंडा है, इसमें 4 जिले हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती। बरेली मंडल में 4 जिले हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर व पीलीभीत। ठीक है, इसके बाद अयोध्या विश्वविद्यालय में 5 जिले हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। मुरादाबाद मंडल में जो है 5 जिले हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल। मिर्जापुर मंडल में 3 जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। आजमगढ़ में 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती मंडल में 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर। सहारनपुर में 3 जिला है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। झांसी में 3 जिला है, झांसी, ललितपुर और जालौन। लखनऊ में 6 जिले हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। कानपुर में 6 जिला है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। मेरठ में जो है 6 जिला है, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। आगरा में 4 जिला है, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। गोरखपुर में भी 4 जिले हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। अलीगढ़ जो कि नवीनतम बनाया गया, इसमें 4 जिले जोड़ा गया, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस और एटा। ठीक है, टोटल 17 नगर निगम है जो कि पहला है गोरखपुर, वाराणसी दूसरा है, तीसरा प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी, अयोध्या जो कि 2017 में बनाया गया, मथुरा, वृंदावन 2017 में और शाहजहाँपुर जो है ये 2018 में इसको घोषित किया गया नगर निगम। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त की बात करेंगे तो पहले हैं श्री न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल जो कि 14 सितंबर 1977 से
13 दिसंबर 1982 तक रहे थे। इसके बाद श्री मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, कैलाश नाथ गोयल, राजेश्वर सिंह, सुधीर चंद वर्मा, एन के मेहरोत्रा, इसके बाद लास्ट में न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा, जो कि 31 जनवरी 2016 से लेकर अब तक यही आयुक्त हैं, ठीक है, लोक आयुक्त हैं। इसके बाद कारागार प्रशासन एवं सुधार, तो वर्तमान में राज्य में 5 केंद्रीय कारागार कार्यरत हैं। पहला बरेली 1837 में स्थापना हुआ, आगरा 1854 में स्थापना, फतेहगढ़ 1868 में स्थापना, इलाहाबाद 1869 में स्थापना, वाराणसी 1877 में स्थापना। आर्थिक गणना की बात करेंगे तो प्रथम जनगणना, जो प्रथम गणना हुआ वो 1977 में, द्वितीय हुआ 1980 में, तीसरा हुआ 1991, चौथा 1998, पाँचवा 2005, छठा 2012-13 और सातवीं गणना जारी है। अब जनसंख्या संबंधी कुल तत्व कुछ महत्वपूर्ण, तो 2011 जनगणना के अनुसार तो कुल जनसंख्या 19,98,12,341 टोटल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जो कि पहला स्थान रखता है भारत में। पुरुष जनसंख्या टोटल 52% है, जिसमें 10,44,80,510 हैं। महिला जनसंख्या 47.7% हैं, जिसमें 9,53,31,831 हैं। जनघनत्व है +139, जो कि 829 नवा स्थान रखता है। लिंगानुपात जो है 912 26वां स्थान है। दशकीय वृद्धि दर 2001-2011 में 20.2% रहा, 14वां स्थान रहता है पूरे राज्यों में। साक्षरता दर जो है +11.3% की वृद्धि हुई, जिस जो मिलकर 67.7% हो गया। पुरुष साक्षरता दर 77%, महिला साक्षरता दर 57% रहा। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 22.3%, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 77.7% है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो प्रयागराज है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है गाजियाबाद में है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है ललितपुर है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है जौनपुर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है श्रावस्ती है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है गाजियाबाद है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है श्रावस्ती है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त महत्वपूर्ण संकलन, जिसका हम लोग डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो एंड करते हैं, और ये बुक जो है ग्रामीण समाज यूथ रिफ्रेशर की जो बुक थी, यूथ परीक्षा रिफ्रेशर, उसमें ग्राम समाज एवं विकास का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।